नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और हम इस टाइम खड़े हैं सामदो गांव का जो मेन द्वार है, ये गेट है, आप देख रहे हैं पूरे सजावट के साथ सजा हुआ है। पूरे सामने एक फोटो भी है, मनीष वशिष्ठ यूपीएससी में जो चयनित हुए हैं आज वो गांव में आएंगे, सामदो गांव में, और उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। और जो सामदो गांव का गेट है वो भी आप देख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ सजाया हुआ है। जो स्कूल है, स्कूल का जो गेट है वो कैसे सजाया है, वो पूरा अंदर का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, और जिस टाइम वो गांव में आएंगे वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गेट आपने देखा है, जो सामदो गांव का जो सरकारी स्कूल है जी। ये आप गेट देख रहे हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे, बैनर लगा हुआ है और यहाँ से पूरा सजाया हुआ है, और जो मरीज है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पूरा गांव स्वागत के लिए तैयार है, सामने टेंट लगा हुआ है, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, और जो मरीज की कुर्सी है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मनीष जी हैं जो यूपीएससी में चयनित हुए हैं, उनका स्वागत के लिए आगे आगे डीजे है, पूरा गांव यहां पे खड़ा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देखिए आगे आगे डीजे है, और पीछे मोटरसाइकिलों पे जो गांव के युवा हैं वो देखो पूरे होश के साथ, जोश के साथ नाचते हुए पूरा काफिला। और ये सारा का सारा पूरा काफिले का जो पता लगा, पूरे गाँव का पता लगा कि मनीष जी यूपीएससी में चयनित हुए हैं और वो आज गांव में आएंगे, पूरा गांव मोटरसाइकिलों के साथ किठाणा गांव की तरफ दौड़ पड़ा। कैथल साइड से आने थे मनीष जी, और किठाणा से ये पूरा का पूरा काफिला किठाणा गांव से आया है अब। और आप देख रहे हैं मनीष जी की गाड़ी पीछे है, पूरा का पूरा रोड के ऊपर लोग आ चुके हैं उनसे मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए। ये देखिए मोटरसाइकिल आगे निकले हैं जैसे ही, और पूरा का पूरा रोड घेर लिया। खूब महिलाएं हैं, गांव के नौजवान हैं, और देखते रहे, फुल भीड़ है, पूरा का पूरा गांव है, आसपास के गांव के लोग भी हैं, और जो आसपास के समाज से भी लोग हैं वो भी हैं। ये देखिए मनीष जी हैं, दोनों हाथ जोड़कर पूरे गांव का आशीर्वाद लिया है इन्होंने एक बार, ये देखिए। और ये पहले सीधे दादा खेड़ा पर जाएंगे, ये देखिए पूरा गाँव यहीं पर खड़ा है, ये पीछे गाँव के अड्डे तक गाड़ियों का काफिला है। ये दादा खेड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये देखिए जो गांव का दादा खेड़ा है उसके अंदर मनीष जी माथा टेकने के लिए, दादा खेड़ा से आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देखते रहे, ये देखिए जो गांव की महिलाएं हैं, जो चाची हैं, ताई हैं, वो सब आशीर्वाद देती हुए दादा खेड़े के अंदर जाने से पहले। और ये देखिए आगे आगे मनीष जी के पिताजी हैं, और मनीष जी हैं उनकी माता जी हैं, ये उनकी चाची और बापी दोनों, और ये सभी के सब अब दादा खेड़ा के जो मंदिर है उसके अंदर गए हैं। ये देखिए दादा खेड़ा को नतमस्तक करते हुए, दादा खेड़ा से आशीर्वाद लेते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देख गांव सामदो जिला जींद का ये दादा खेड़ा है, और ये देखिए परिक्रमा करके आए हैं नतमस्तक करके, और अब बाहर आएंगे। ये देखो ये उनके पिताजी होंगे मेरे ख्याल में, हाँ, और अब मनीष जी बाहर आएंगे, वो भी तस्वीरें आप देखते रहे। ये देखिए ये है वो गांव का होनहार युवा, जिनको आज पूरे जींद, जिन पर आज पूरे जींद जिले को गर्व है। ये देखिए अब स्कूल के जो गेट है वहां पर पहुंचे हैं, और भी पत्रकार साथी आए हुए हैं इनका इंटरव्यू लेते हुए, और जो गाँव की महिलाएँ हैं सब गेट पर, पूरे गेट की सजावट है, और ये देखिए फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। ये देखो जो बहनें हैं गांव की लड़कियां हैं, उन्होंने गेट के आगे रिबन लेकर खड़ी हैं कि अपने भैया से आज रिबन कटवाएंगी और तिलक करेंगी, उसके बाद स्कूल में लेंगी, पूरी खुशी के साथ, सबके अंदर पूरी खुशी है। ये देखो उनकी बहन ने ये तिलक किया है, ये देखो तिलक करते हुए फ़ोटो भी खींच पा रहे हैं साथ में, और पूरे खुशी के साथ सबके सब, ये देखो मीठा खिलाते हुए, और ये रिबन काट दिया है, हाँ, फूल फेंकते हुए इसके ऊपर को स्वागत करते हुए, तालियां बजाकर स्वागत किया है सबने। और मनीष जी अब स्कूल के अंदर गेट में प्रवेश किया है, और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया है, सभी बुजुर्गों ने माला पहनाकर स्वागत किया है, और कुछ जो बुजुर्ग हैं उनको इन्होंने माला पहनाई भी है। ये देखिए
बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए मालाएं इतनी पहना दी कि पूरा का पूरा गला बहुत ही जल्द भर जाता है। ये देखिए, ये देखो इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा गांव खुशी के मारे स्कूल के गेट पे था, स्कूल में था वो। ये देखो इनके साथ साथ स्वागत करते हुए, ये देखो ये माला निकालनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। और भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो माला लेकर खड़े हैं। ये देखो, ये देखते रहे तस्वीरों में। और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भी ज़ोरदार स्वागत किया है तालियां बजाकर। और जो गांव के लोग आप देख ही रहे हैं, आसपास के गांव के लोग, गांव ढोड़ा से वकील व्यापारी जो कि जिला पार्षद थे दिनेश जी उनके पिताजी, वो भी यहां पे पहुंचे हैं। और गांव के जितने भी मौजूद आदमी थे सब, सभी पत्रकार, दैनिक भास्कर, दैनिक त्रिकोण, जागरण, सभी पत्रकार थे। और पेश है एक रिपोर्ट भी, आप देखते रहे तस्वीरों में, पेश है। रैपिंग शुरू कर दो। हां जी, हां जी, और ये बात चल जावे से का निमो सर, पिक्की भी ले लिया फोटो, बताओ भी ले ले पहले फिर सुन वन मोबाइल ले ला, मेरा नाम तुम्हें फोटो में कर दिया, ठीक है नहीं बात कर दिया भाई, सुबह नो सर राम से, राम से, चंद्र नहीं सर, बड़ा आराम से थोड़ा राम पे ले, भविष्य में जाकर अपना मुकाम हासिल करें। एक बार सभी बच्चे सभी बच्चे सभी कोई व्यक्ति इसके बाद सुभाष पीटीआई मनीष वशिष्ठ का सवाल करते हुए वीडियो फोटो आ गए। अच्छा ये बहनी सारे नहीं भाई, घोड़ा क्योंकि वो रख लो का जो अनिच्छा दादा आ जाओ भाई, सारे प्रोग्राम कर दो। कलीराम नेहरा, प्रकाश शंभू, प्रकाश सरोव श्री शंभुराम और धर्मा सरोव श्री अर्जुन, ये सभी मंच पे आ जाए। एक चत्तर के द्वारा मान सम्मान करेंगे मनीष वशिष्ठ। सही पर आ जाओ जी, फिर हाथ लगा लिया, सही पर आ जाओ जी, भागसन जी, जी लो जी, करतार जी और धर्मा श्री अर्जुन सत्तर भेंट करने के लिए। एक बार दो इधर क्लैपिंग, बिंदु बच्चे सभी ध्यान पूर्वक जरूर सुने, धर्मचंद समिति आएगा, ये सभी सामने चादर भेंट की जा रही है। एक बार जोरदार क्लैपिंग। हमारे बीच में प्रकाश जी, दीपक जी, महिपाल जी और सत्यनारायण जी अपने सुपुत्र को। इसके बाद इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल साहब के तुरंत बाद सत्यवान सनोव श्री कलीराम, आपकी जानकारी के लिए बता दें उन्होंने 40 साल आगे वो कृपया बहुत ही सुखद पल, सुखद अनुभूति, सुखद अनुभव। जसवीर ढिल्लो, एक बार जोरदार क्लैपिंग के लिए।
शुरू सलाह से मेरा पुनः निवेदन है कि वो करके छाया में खड़ी हो जाए और अपने पूरे परिवार के साथ मनीष मसीह जी को सम्मानित करते हुए इससे खुशी का पल क्या होगा जब तीन तीन पीढ़ियां चार चार पीढ़ियां एक साथ खड़ी है और साथ में रामपाल शर्मा जी बिठमड़ा से अपने बेटे मनीष मसीह जी को सम्मानित करते हुए जोरदार क्लैपिंग जोरदार क्लैपिंग कुछ कुछ बैठ जाओ कुछ कुछ बैठ जाता हूँ आगा जो साका जो ना बैठ जाओ सारा कलम का आ जाएगा बैठ जाओ अरे ना मोहित तुम भी अरे 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 मोहित एक बार बेटा क्लैपिंग से पढ़ाया नहीं जाता लेकिन उन्होंने संस्कार भी दिया और पढ़ाया भी और वो संस्कार आज आपके बीच में इसके तुरंत बाद टेकराम जी कैथल से सुरेंद्र जी रचार से और सप्तीर जी हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री सप्तीर वशिष्ठ जी कृपया मंच पर आए और मनीष वशिष्ठ जी को सम्मानित शेयर करना चाहूंगा हमारे एडमिशन पक्का है इसलिए एक बार मनीष जी का नीरज जी नवा ये नीरज अपनी सेवाएं दे चुके हैं रोशनलाल जी सारी फैमिली ना करांगे सम्मानित है लेकिन भाई खेल खेल में खेलो जिस तरह से अपने मनीष भाई हमारा तो पोता है तो ये इस तरह से आप भी बढ़ पाए और एक नहीं हजारों मनीष यहाँ पैदा होंगे और इस गांव में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसलिए इनका सम्मान करने के लिए और सम्मान ये स्कूल में हमने प्रोग्राम क्यों करवाया स्कूल में हमारा मकसद इस गर्मी में आपने देखा है मनीष जी का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया था और पूरे बाजे गाजे के साथ पूरा गांव खुशी के साथ पूरा काफला आपने देखा और अब मनीष जी हमारे बीच में मनीष जी से बात करेंगे नमस्कार सर नमस्कार सर आपने जो ये परीक्षा पास की है पूरे एरिया को गर्व है और आज पूरे एरिया के लोग खुशी के पल में मतलब के साथ मौजूद थे पूरे का पूरा गांव और आसपास के गांव वाले भी सभी मौजूद थे जिसको पता लगा दौड़ दौड़ के यहाँ आए तो आप इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं गांव वालों ने जो सम्मान दिया है पहले उसके बारे में ये देखिए पेपर पास करना अपने आप की खुशी की बात है लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी वजह से आपके परिवार वाले आपके समाज वाले खुश हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात किसी इंसान के लिए मैं नहीं मानता कि हो सकती है तो मतलब बहुत खुशी का पल है और बहुत ही यादगार पल है सवाल ये है मेरा आपसे जो आपने ये परीक्षा यूपीएससी के जो चयन किया मतलब पास की है आपने इसमें आपका नंबर आया है समझ लो कि आपने ये प्रेरणा कहाँ से दी इसके लिए आप श्रेय किसको देते हैं इसके लिए प्रेरणा कुछ हद तक तो अपने पिताजी से वो खुद पुलिस में सर्विस में है तो एक तरफ से वो भी प्रेरणा मेरे लिए रहे हैं और उसके अलावा समाज में हम देखते हैं कि कुछ अधिकारियों भी समाज के उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा चुनौतियां होती हैं तो एक वहां से भी मेरे अंदर रहा कि भाई लीडरशिप रोल मुझे चाहिए और कुछ कर सकूं समाज के लिए तो इसलिए मैंने इस परीक्षा की तैयारी आपके जो पिताजी हैं वो किस पद पे हैं और किस विभाग में वो हरियाणा पुलिस में है सब इंस्पेक्टर और अभी कैथल में पहुंच गए अच्छा अच्छा तो आपने उनसे प्रेरणा ली कि मतलब मैं भी कोई बन के दिखाऊंगा पिताजी आपने बोला जी सर उनसे भी प्रेरणा की तो आज गांव के अंदर जो खुशी का माहौल था आपके जितने भी घर वाले थे रिश्तेदार थे जहाँ भी थे पूरा गांव खुशी के आप भी यहाँ पे 20-30 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो सब ने आपको खूब हौसला भी बढ़ाया है और आप जो समाज है जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं नौजवान जितने भी हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसमें लगे रहिए हार मत मानिए ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ नहीं हो सकती पर मतलब तभी आपका चरित्र असल में दिखता है कि उस समय आप हार ना माने और ज़्यादा प्रयास करें तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आपका लक्ष्य आपसे दूर जा रहा है तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए और तब आपको कामयाबी जरूर मिलेगी ठीक है जी बहुत बढ़िया
और जो परिवार के और भी सदस्य हैं हमारे साथ बैठे हैं, इनके परिवार से है सारे के सारे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल, कश्मीरी लाल जी, आपके ये क्या लगती है? मेरा भतीजा है। आपके भतीजा, हाँ, छोटे भाई। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आपके गांव की एक लड़की कबड्डी में जीत के आई थी, एक लड़की पढ़ाई में फर्स्ट आई थी, और एक लड़की पर्वत पे भी गई थी, और जब इनको सभी प्रोग्रामों में आया वो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और आज का भी जो कार्यक्रम था, मेरे को बताया गया था कि 11 बजे का कार्यक्रम है, मैं सुबह 10 बजे आपके सामने वहाँ पहुंच गया था। तो आप जो गांव वाले हैं और जितने भी आज यहाँ पे आए थे, उन सबको क्या धन्यवाद देंगे, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सभी गाँव वालों का धन्यवाद, और मैं यही आपकी इच्छा है कि गाँव में इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा होनहार बच्चे पैदा हो। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज पूरा का पूरा गाँव यहाँ आया हुआ था, आस पास के गाँव के लोग भी आए थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमें बहुत ही गर्व है, क्योंकि हमारा जो मनीष लड़का है, जो हमारा है, ये बहुत ही होनहार है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, में कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। तो इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत के कारण ही आज ये भारत के अंदर इसने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। और मैं तो इस भाई से एक भी निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने सामाजिक माहौल को, जिस तरह इसका भाईचारा आज इतनी बड़ी संख्या में इसका स्वागत कर रहा है, तो इसने भी इनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और कभी भी जब इसके पास जाएं तो इनका अच्छी प्रकार से आदर सत्कार करें। और मैं अंत में ये कहूँगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे बीच में है मरीज जी के पिताजी हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। आज इनका भी सीना गर्व के साथ चौड़ा हो गया है, जैसे गांव वाले और खड़े थे, उन्होंने भी कहा है कि हमारा भी गर्व के साथ सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि जब ये पद मिलता है जिसपे आस भी नहीं लगा सकते, और पूरे गांव में आज तक यहाँ तो कोई पहुंचा भी नहीं था, तक तो नहीं पहुंचा था। नहीं। तो इन मरीज के पिताजी हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज का जो दिन है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे कि खुशी का मौका है इसको? देखियो, आज का दिन बहुत खुशी का दिन मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे गांव वालों ने या मेरे दादा खेड़ा ने इस गांव के बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं बहुत बहुत दादा खेड़े का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे घर पर ऐसे बच्चे को जन्म दिया, और गांव के माहौल को या मेरी पत्नी के संस्कारों से यह बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं सभी गांववासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से इतना प्यार गांव वालों ने दिया है इस बच्चे को या मेरे को, तो हम उसका ऋणी रहेंगे गांव का। और बच्चे को भी मेरे बारे में जितने गांव वाले जानते हैं, वे जितने संस्कार मेरे पिताजी ने मेरे को दिए हैं, उससे सुहाए संस्कार मैंने बच्चे को दिए हैं। कोई भी गांव वाला या कोई भी अजनबी आदमी भी अगर इसके पास किसी काम के लिए जो इसके लायक है जाएगा, तो वो पूरी आदर से दिल से उनका आदर करेगा और उस काम को मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। मैंने भी बताया है कि मेरे गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से और जो मेरे पिताजी ने प्रेरणा दी थी, उसके सहयोग से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो आपने मनीष जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिलाई, क्योंकि आप तो अधिकारी थे ही, कि मतलब बेटा तुम मेरे से भी कुछ बड़ा बढ़ के दिखा, उसके बारे में कोई राज है तो वो भी जरूर बताएं। मैंने बेटे को एक ही राज बताया था, महा बेटे दो ऑप्शन आपके पास है, उन दोनों में से आपने चुनना है कौन सा ऑप्शन चुनना है। एक ऑप्शन तो ये है, 5 साल आप अपने पिता की कमाई पर ऐश आराम करो, मौज मस्ती करो, 5 साल के बाद अपना पूरी उम्र तंग दुखी रहो। और दूसरा ये है, फिर 5 साल आप पिता की कमाई से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और उसके बाद आप अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे, सारी उम्र आप सुख पाओ। तो बच्चे ने यही किया, वे मेरे पैसे का जो मैंने उस पर लगाया दुरुपयोग नहीं किया, पढ़ाई पर ही शुद्ध उपयोग किया, और आज इस मुकाम तक बच्चा पहुंचा। मैं बच्चे को भी अपने दिल से
शुक्रगुजार थे जिन्होंने मेरी इस कमाई को नेक कमाई को अच्छे कार्य में लगाया और गांव में पूरे बरादरी में और पूरे हरियाणा में वे मेरी इज्जत सौ से सुवाई की गांव का नाम रोशन। ठीक है जी बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में शास्त्री जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं सतपुर सरकारी ग्रह प्रिंसिपल यहाँ आज जो हमारे गांव में उत्सव जैसा त्योहार जैसा माहौल है इसमें हमारे भाई रोहतास जी सब इंस्पेक्टर पुलिस में हैं, इनके बेटे ने यूपीएससी में बड़ा अच्छा रैंक लेकर के हमारे गांव का नाम रोशन किया है और ये आज सारा गांव इकट्ठा होकर के इसको मान सम्मान देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो मेन भाई रोहतास का इसमें योगदान रहा ये रहा कि इन्होंने बेईमानी का एक पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी से अपनी पुलिस में रहते हुए भी अपनी सारी जो ईमानदारी को समर्पित की और ये इनका चरित्र इनके जो संस्कार हैं वही बेटे ने अपना करके मेहनत के बल पर इस मुकाम को हासिल किया है और सारे गांव को ये जो है नसीहत दी है और ये प्रोग्राम हमने स्कूल में किया बच्चों के मोटिवेशन के लिए ताकि बच्चों को भी एक मोटिवेशनल प्रोग्राम मिले कि इस बच्चे मनीष की तरह हम भी यूपीएससी को क्लियर करें और आगे आने वाले बच्चों को भी सीख मिले कि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक आम इंसान आम देहात का बच्चा जब इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो ये सारी हमारे गांव की इनके परिवार की हमारे जो परिवार की संस्कार और बच्चे की मेहनत ये सारे रंगदार हैं। बहुत बढ़िया सर जी अपना शुभ नाम जी। हंदी राम जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही ज्यादा दिवाली से भी ज्यादा त्योहार से भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मास्टर संजय खंडा। संजय जी आज का दिन आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं रोहतास जी देवदत्त और पत्नी उनके परिवार को इस मुकाम पर बच्चे को पहुँचने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ मनीष जियो ने स्कूल में बहुत बढ़िया संदेश दिया है जो मैं एक नॉर्मल परिवार से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इसमें पहुंचने के लिए मेरी मेहनत और माँ बाप की जो नेक कमाई है उसका अहम योगदान है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। ठीक है सर। और अब आप देख रहे हैं हमारे बीच में जो मनीष जी हैं, मनीष जी की माता जी हैं, उनकी बुआ जी हैं, चाची जी हैं, उनके मामा जी हैं, उनकी बहन है, पूरा परिवार यहाँ पे है और अब इनसे भी बात करेंगे सबसे कि आज का जो कार्यक्रम था इनको कैसा लगा। नमस्कार जी, आज जो कार्यक्रम था आपको कैसा लगा और आपको कितनी खुशी हुई? क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में किसी किसी को मिलता है और आपको अच्छा लगा? आप मनीष जी के बुआ जी, आपको कब पता लगे कि मनीष शब्द बोलते हैं? सुबह 7 बजे आया तो आपको कितनी खुशी हुई है उसके बारे में? बहुत खुशी हुई है। आप पूरा बढ़िया प्रोग्राम कर लिया था, आप मनीष की बहन है, आपका सुनाम क्या है? प्रीति, थोड़ा सा ऊंचा बोल के ये बताओ कि आज का जो कार्यक्रम था आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीख गए? बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा और भाई को देख के यही है कि हम भी ऐसे कोशिश करें और आगे और बच्चों को भी स्कूल में यही बताया गया कि आज ऐसे पढ़ाई करो और की ताई जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पूरा परिवार आप देख रहे हैं हमारे बीच में बैठा है, पूरे गांव के अंदर आज खुशी का माहौल था, आसपास के गांव के लोग आए हुए थे और डीजे के साथ पूरा गांव नाचते हुए खुशियां मनाते हुए आज मनीष जी को स्कूल के अंदर लेके आए थे। किठाना ही पहुंच गया पूरा गाँव और मनीष जी की ताई जी हैं वो हमारे बीच में। हाँ जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? सही है। आप मनीष जी के मामा जी?
तो आपको कैसी खुशी महसूस हुई? बहुत ज्यादा तो आप समाज को क्या समझा? मैं